नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोलरता, क्योंकि मोलरता आप जब पढ़े हैं तो मोलरता से रिलेटेड आपको मोलरता है। जो मोलरता को समझ गए यानी मोलरिटी को समझ गए, वो मोलरिटी को आराम से समझ सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम दोगे यहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए इसको आप बहुत ही महत्वपूर्ण मान के शुरू से अंत तक देखिए और पूरा एकदम अच्छा से मजा लीजिए। जैसे अगर हम लोग बात करें मोलरता का, किसका मोलरता का, तो मोलरता हम लोग इसे पहले पढ़े हैं यानी मोलरिटी पढ़े हैं। मोलरिटी क्या होता है, तो हम बोले थे कि एक विलयन बनाओ, विलयन यानी सॉल्यूशन बनाओ, याद रखना विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो आप एक सॉल्यूशन बनाए, अब इस सॉल्यूशन में आपने क्या क्या लिया, तो आपने विलय लिया और आपने विलायक लिया, आपने सॉल्यूट लिया और आपने सॉल्वेंट लिया। तो मैंने कल ही बोला था कि आपको विलय के मोल को Na बोलते हैं और विलायक के मोल को Nb बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, A लगाएंगे विलय के लिए और B लगाएंगे विलायक के लिए। तो एक लीटर विलयन बनाना, कितना लीटर बनाना भैया, एक लीटर। तो कहता है अब इस एक लीटर विलयन में विलय का कितना मोल घुला हुआ है, इसकी संख्या को ही हम लोग मोलरता कहते थे। याद करिए कि एक लीटर विलयन में विलय का जितना मोल घुला हुआ है इसकी संख्या को ही मोलरता कहते थे, और मोलरता को कैपिटल M से लिखते थे। मोलरता की इकाई मैंने बताया था मोल प्रति लीटर होता है। इसमें लीटर वाला टर्म जो आ गया था, ये ताप पर बोले तो ये डिपेंड करेगा, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा। उसके बाद हम आपको मोलरता बराबर फॉर्मूला भी बताए थे कि एम बराबर फाइनल फॉर्मूला बताए थे, डब्ल्यू ए गुना 1000, ये फाइनल फॉर्मूला है, बटे एम ए गुना भी इन ML, है कि नहीं है, भी इन ML, ML में लेना है। तो ये चीज है, सेम इसी तरह है मोलरता, जहां आप एक लीटर विलयन लिए हो ना, वहां एक केजी विलायक ले लीजिए, बस एक केजी विलायक ले लीजिए, वो फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे एक केजी विलायक में विलय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं, इसको कैपिटल M बड़ी M से कहते हैं और मोलरता को स्मॉल M से लिखेंगे। समझ रहे हैं, इसका इकाई मोल प्रति लीटर हुआ था, इसका इकाई मोल प्रति केजी होगा। आइए सीखते हैं कि मोलरता होता क्या है, मोलरता को पूरा एकदम अच्छे से समझते हैं, पूरा डिफाइंड भी हम आपको करेंगे। ये तो हेडिंग आप लोग भी बना लीजिए, मोलरता यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे मोलैलिटी, कि क्या बोलेंगे मोलैलिटी। तो बोलिए क्या बोले थे, हम बोले थे कि भाइयों एक एक केजी विलायक लो, एक केजी क्या लो, विलायक लो, यानी एक केजी आपको सॉल्वेंट लेना है। क्या लेना है, सॉल्वेंट लेना है। अब इस एक केजी सॉल्वेंट में आपको क्या करना है कि विलय मिलाना है, सॉल्यूट मिलाना है। अब जैसे इसमें सॉल्यूट मिलाओगे, विलय मिलाओगे, विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल को हम लोग क्या बोले थे, एन ए बोले थे। तो कह रहा कि एक केजी विलायक में कितना विलय घुला हुआ है, इसी को हम लोग मोलरता कहते हैं। जैसे मान लो एक केजी आप ले लो पानी, उसमें आप चीनी मिला दो, तो कहता है एक केजी पानी में चीनी कितना घुला हुआ है, इसकी संख्या को ही हम लोग मोलरता कहते हैं। तो परिभाषा इसका क्या होगा, डिफिनेशन क्या होगा, तो बोलेंगे एक केजी या एक केजी को 1000 ग्राम भी बोलते हैं, एक केजी या 1000 ग्राम विलायक में, किसमें, विलायक में उपस्थित, ध्यान से सुनना सब लोग, एक केजी या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं, याद रखना। अब इंग्लिश मीडियम वाले बोले सर इंग्लिश में डिफिनेशन लिखिए, तो हम लोग बोलेंगे द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वन केजी और 1 kg को हम लोग 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी ये चीज है आपका,
यानी आपका मोलालिटी क्या है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का मोल डिजॉल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी 1 kg सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होगा इसी के नंबर को हम लोग मोलालिटी कहते हैं। और मोलालिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, इसे छोटू एम द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा, छोटू एम द्वारा सूचित किया जाता है, यानी हम लोग यहां पर लिखेंगे सर इट इज डिनोटेड बाय, इंग्लिशों में लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, इसको स्मॉल m से डिनोट कर दिए। तो भैया यहां पर आपको क्या होगा कि मोललता बराबर आप फॉर्मूला लिखेंगे विलय के मोलों की संख्या, ध्यान दीजिएगा विलय के मोलों की संख्या बटे हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, याद रखना इस बात को। यानी इंग्लिश में लिखेंगे मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही चीज को लिखेंगे यहां पर। क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा मोलालिटी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का मोल बाय लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट का हम लोग द्रव्यमान की बात करते हैं। अब यहां देखिए मोललता को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोललता को हम एम लिखेंगे, क्या लिखेंगे एम लिखेंगे। घबराइए नहीं, पूरा एकदम ध्यान से समझिएगा सब लोग, पूरा एकदम आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा ध्यान से सब लोग को देखना है। यानी मोललता को एम से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को एन ए लिखेंगे, और यहाँ सॉल्वेंट है तो बी लगा दीजिए, वेट को डब्ल्यू लिखते हैं तो डब्ल्यू बी इन लगा दीजिए के जी, पहले के जी में लीजिए। अब याद रखिए चूंकि आप जानते हो 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम, तो इसको 1000 से गुना कर देंगे तो ये ग्राम में बदल जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा एन ए बटे डब्ल्यू बी इन ग्राम गुना कितना 1000। अब यह ग्राम में आ गया। अब याद करिए हमने आपको क्या बताया था, हमने सर जी आपको बताया था, हमने क्या बताया था बोलो, कि n बराबर होता है w बाय m, यानी गिवेन वेट, w को कहते हैं गिवेन वेट और m को कहते हैं मोलर मास, मोलर मास गिवेन वेट बाय क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहां एन ए लिखेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू ए बाय हो जाएगा एम ए, इसका मान यहां पर रख दो, ऐसे पकड़ो जोर से पकड़ ले, पकड़ के यहां पर रख दीजिए तो आपका m इक्वल टू हो जाएगा, देखिए m इक्वल टू क्या होने वाला है, तो n a के जगह पे रख देंगे w a बाय m a, अब बटे है w b इन ग्राम, यहां मल्टीप्लाई है 100, तो देखो भाई अजी 1000, तो ये हो जाएगा w a बाय m a, हाँ ऊपर में 1000 चला जाएगा और ये w b नीचे ही रहेगा तो हो जाएगा w b इन ग्राम। ये आपका मोलालिटी का फॉर्मूला है, मोललता का फॉर्मूला है। यहाँ जो ये w a है ये है सोल्यूट का गिवेन वेट, यानी दिया गया द्रव्यमान, ये दिया गया द्रव्यमान किसका है, गिवेन वेट किसका है, ए लगा हुआ है, ए माने बोलिएगा सोल्यूट, एम ए को बोलते हैं मोलर मास यानी आणविक द्रव्यमान, और ये आणविक द्रव्यमान केकर है तो आणविक द्रव्यमान ए लगल है विलय का है, डब्ल्यू बी क्या है तो ये विलायक का दिया गया द्रव्यमान है, विलायक का दिया गया द्रव्यमान है, दिया गया द्रव्यमान है। यहां तक समझ में आ गया। अब आइए इसकी इकाई की बात करते हैं कि मोललता की आखिर इकाई होती क्या है, मोललता पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, अभी तो फॉर्मूला ही आया है, अभी आपने जस्ट बोला कि मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट का मोल, और बटे आपने लिखा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट किस में लिए थे, केजी में, तो इसका यूनिट देखो इकाई क्या हो जाएगा, यूनिट माने होता है इकाई, तो इकाई क्या हो जाएगा साथियों, तो हम लोग मोल को यहाँ मोल लिखेंगे, नीचा में केजी लिखेंगे, तो ऊपर में हो जाएगा मोल, नीचा में हो जाएगा केजी,
तो ऊपर में ये हो जाएगा मोल, केजी ऊपर जाएगा तो पावर माइनस वन हो जाएगा, तो मोल प्रति केजी होगा इसका इकाई। इसमें कोई आयतन वाला टर्म नहीं आया है, आयतन वाला टर्म आया है क्या? नहीं आया है, तो आयतन वाला टर्म नहीं आया है, इसीलिए बोलेंगे ये ताप पर, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, ये टेम्परेचर पर, यानी लिखेंगे इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। अगर कहीं ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं एम लिखा रहेगा, एम को पढ़ेंगे मोलल सॉल्यूशन, मोलल सॉल्यूशन जैसे हम लोग पढ़े थे, इसका मतलब मोलैलिटी वन होगा। अगर एम बाई टू लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे सेमी सेमी मोलल सॉल्यूशन, सेमी मोल्यूशन आधा। इसी बार एन बाई टेन रहेगा तो इसको बोलेंगे डेसी डेसी मोलर मोलल सॉल्यूशन, एम बाय हंड्रेड रहेगा तो इसको बोलेंगे सेंटी मोलल सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? तो अब आइए इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने के लिए आपको ये एम का वैल्यू रखना होगा याद, एम बराबर डब्ल्यू ए इंटू थाउजेंड बटे एम ए इंटू डब्ल्यू बी इन ग्राम। आपको देखिए क्या क्या दिया रहेगा, आपको ये दिया गया द्रव्यमान मालूम रहेगा, आपको आणविक द्रव्यमान सिर्फ निकालना है, ये भी दिया रहेगा, दो वैल्यू दिया रहेगा जिसमें मैंने टिक किया, और आपको सिर्फ आणविक द्रव्यमान निकालना है। आराम से आप बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं हम आपको। कहता है यदि क्वेश्चन कहता है यदि ध्यान दो, चार ग्राम एन ए ओ एच, ठीक है, 400 ml विलायक, 400 ग्राम विलायक में, 400 ग्राम विलायक में घुला हुआ है तो मोललता क्या होगा, तो मोललता क्या होगा, मोललता क्या होगा। तो भैया हम लोग यहां पर इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इफ 4 ग्राम ऑफ एन ए ओ एच डिजॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट तो कैलकुलेट मोलेलिटी। ठीक है रहा? तो भैया हम लोग को क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेंगे। यदि 4 ग्राम NaOH, बताओ कौन घुला हुआ है, NaOH घुला हुआ है, तो जो घुला हुआ रहता है, जो डिजॉल्व रहता है, उसको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और विलय का दिया गया द्रव्यमान, जो विलय का जो दिया गया द्रव्यमान है, सोल्यूशन हल में लिखेंगे डब्ल्यू ए बराबर है 4 ग्राम। डब्ल्यू ए बराबर कितना ग्राम? 4 ग्राम। जब हम लोग NaOH का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, यानी Ma निकालेंगे, तो सोडियम का कितना हो जाएगा बच्चा? 23 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होगा बच्चा? 16 ग्राम। हाइड्रोजन का कितना होगा? 1 ग्राम। टोटल को जोड़ोगे तो आएगा 40 ग्राम। आपको सिर्फ ये दिया हुआ है, सिर्फ ये निकालना है, और उसके बाद तो कह भी रहा, तो 400 ग्राम विलायक, यानी विलायक को, यानी डब्ल्यू बी बराबर होगा 400 ग्राम। आपको अब फॉर्मूला लगा लेना चाहिए, है? आप बताओ, फॉर्मूला मैंने बताया था एम बराबर डब्ल्यू ए गुना 1000 बटे एम ए गुना डब्ल्यू बी इन ग्राम। तो भैया बोलो डब्ल्यू बी का मान कितना, सॉरी डब्ल्यू ए का मान कितना? 4 है बट गुना 1000 बट एम ए का मान कितना? 40, गुना कर देंगे कितना? 400। देखियो कि यह क्या होगा, ये दो जीरो, ये दूसरा कलर से लेते हैं तब मजा आएगा काटने में, इसको काट दें, शहीद करवा दे, करवा देना, दो जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, ए चार कैंसिल, ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे में 4 बचा, 1/4 माने 0.25 मोल पर केजी इसका यूनिट होता है, समझे? कुछ नहीं, आपको देखिए 4 ग्राम NaOH का दिया गया द्रव्यमान था और 400 ग्राम विलायक का दिया गया द्रव्यमान था, सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, NaOH का जो मोलर मास है, आणविक द्रव्यमान है, उसको कैलकुलेट किया, और जब उसका मोलर मास को कैलकुलेट कर लिया तो आराम से हम लोग का बन गया, समझे? कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत है तो पूछ लीजिए, बताइए, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, नहीं है दिक्कत। अब आइए अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मोल प्रभाज, क्या है मोल प्रभाज,
मोल प्रभाज, इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। न्यूमेरिकल सबका हम करवाएंगे पूरा, एक दिन स्पेशल न्यूमेरिकल होगा, एक वीडियो आपका स्पेशल न्यूमेरिकल होगा, उसमें करीब जो है 10-20 न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे एक वीडियो में, सब फॉर्मूला से रिलेटेड। आप सब फॉर्मूला को याद करके रखिएगा, तब मजा आएगा। हाँ, तब पढ़ने में खूब मजा आएगा, और पूरा एकदम जैसे टॉपिक बाय टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ, शुरू से अंत तक आप देखते रहिएगा, पूरा सिलेबस का आपको वीडियो यहाँ पर मिलेगा, अब बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बस घबराइए नहीं, पूरा एकदम ध्यान से देखना है। चलिए साथियों शुरू करें, बोलिए एक बार यस बोल दो, एक बार यस बोल दो, एक बार लाइक कर दो जल्दी से। तो बोलेंगे मोल, मोल प्रभाज क्या होता है, तो आप एक विलयन बना लो, तो जब आप विलयन बनाओगे यानी सॉल्यूशन बनाओगे, जब आप भैया विलयन बनाओगे तो विलयन होगा, और जब विलयन बनाओगे तो विलयन को हम लोग तो बोलते हैं सॉल्यूशन। अब इस विलयन में आपको पता है कि दो चीज होगा सर, कौन कौन चीज होगा, तो एक आपका विलय होगा, एक आपका क्या होगा, विलय होगा यानी सॉल्यूट होगा, और दूसरा आपका विलायक होगा, ओके, यानी सॉल्वेंट होगा। अब ध्यान दीजिएगा, विलय विलायक हो गया, तो आप विलय के मोल को आप Na मानोगे और विलायक के मोल को क्या मानोगे, Nb मानोगे, है ना, मानोगे ना, Na Nb, ये विलय और विलायक का मोल भी मान लिए। तो भैया क्या करता है, मोल प्रभाज क्या है, एक अनुपात है, क्या है ये, अनुपात है, यानी ये रेशियो है, अनुपात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये रेशियो है, रेशियो किसका है, तो जी अनु देखिए भैया रेशियो किसका है, तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होगा, हालांकि मोल प्रभाज को हम लोग किससे लिखते हैं, एक्स से, इसको काटे नहीं है, एक्स है ये हमारा, याद रखिएगा ये एक्स है, हंस दिया, x दूसरा मीनिंग नहीं समझ लेना, ये x है और ये मोल प्रभाज x से लिखते हैं, तो अगर हम यहां मान लो x a बराबर लिखना चाहेंगे, तो x a बराबर क्या होगा, a माने सॉल्यूट यानी विलय, x माने मोल प्रभाज, मोल प्रभाज किसका, विलय का, तो हम लोग कहेंगे विलय का मोल ऊपर बटे कुल, कुल मोल क्या होगा, एन ए और एन बी को जोड़ देंगे तो होगा एन ए प्लस एन बी। अगर मान लो कोई कहा कि सर अगर हम एक्स बी का मान निकालना चाहें, तब एक्स बी यानी विलायक का मोल प्रभाज निकालना चाहें, तब तो निकालिए ना साहब, साहब तो क्या होगा, एन बी जिसका निकालना होगा उसका ऊपर बटे टोटल एन बी। तो भैया यहां से परिभाषा डिफिनेशन आपका क्लियर हो रहा है ये कि एक अवयव के मोलों की संख्या बटे ये कुल अवयव के मोलों की संख्या का जो अनुपात है, इसी को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, एक रेशियो है किसका, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द ऑल कंपोनेंट, वन कंपोनेंट का मोल और ऑल कंपोनेंट का मोल का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग मोल प्रभाज कहते हैं, यानी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में एक अवयव का मोल और कुल अवयव के मोलों की अनुपात को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज को x से लिखा जाता है, और जो अनुपात होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है, यूनिट मतलब इकाई नहीं होगा, नो यूनिट होगा, कोई इकाई नहीं होगा, ये ताप पर भी निर्भर नहीं करेगा, यानी टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड नहीं करेगा। अब आइए हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं, फिर इसके बारे में कुछ कुछ बात लिखेंगे। अगर हम लोग मोल प्रभाज के बारे में लिखेंगे तो मेरे साथ साथ सब लोग लिखते चले जाइएगा, मोल प्रभाज यानी इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा मोल फ्रैक्शन। और ये जो मोल प्रभाज है, कोई पूछेगा क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे किसी विलयन में, किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित एक अवयव के, एक अवयव के मोलों की संख्या, एक अवयव के मोलों की संख्या और कुल अवयव के, कुल अवयव के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात को, के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए मैंने पूरा एकदम डिफिनेशन बहुत ही आसान से लिखाया है, आसान तरीके से लिखाया है। क्या कहता है कि किसी विलयन में उपस्थित एक अवयव का मोल, जो भी जिसका भी निकालना होगा एक अवयव का मोल,
की संख्या और कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को, यानी अनुपात माने बट, यानी इंग्लिश में अगर इसको डिफिनेशन में लिखेंगे तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ, रेशियो माने अनुपात, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट टू द ऑल कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कॉमा कॉल्ड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो द रेशियो, रेशियो होगा किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट का मोल का, उसके बाद ऑल कंपोनेंट जितना भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसके टोटल को कर दीजिए, रेशियो कर दीजिए, अनुपात कर दीजिए, आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अब देखिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे लिखते हैं, तो एक्स से, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय एक्स, यानी हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं किसको, मोल प्रभाज को, मोल फ्रैक्शन को। हिंदी में लिखेंगे इसे एक्स द्वारा सूचित किया जाता है, किसके द्वारा, एक्स द्वारा सूचित किया है, सुस्त हो गए हो, किया जाता है, है? सुस्त आना नहीं है भैया, याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, यानी आपको तैयारी करना पूरा खामोश होकर, ऐसा नहीं कि प्रदीप सर का ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं तो भैया ऐसा नहीं, पूरा एकदम कंप्लीट वे में पढ़ना है तो पढ़ना है, इन्हें कि अब नींद आने लगा, हम इसलिए 30 मिनट तक का लेक्चर बनाते हैं, 30 मिनट तो आप पढ़िए सकते हो, मूवी नहीं है कि आप तीन तीन घंटा बिना खाना पीना खाए आप पढ़ सकते हो, ये क्लास है, 30 मिनट में आपको नींद लगना, हाँ तो भैया नींद सब लगे तो भैया याद रखिएगा घर के मुसीबत और पिताजी का नसीहत को आप जान लीजिए, आपको पढ़ने मन लगेगा, कभी नींद नहीं आएगा, समझ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, तो इट इज डिनोटेड बाय क्या, एक्स, इसे एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, हम यहां पर मान रहे हैं क्योंकि अभी एन ए, यदि एन ए विलय का मोल, किसका मोल है, विलय के मोल, मोलों की संख्या तथा एन बी विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या संख्या हो तो कुल मोल बराबर, यानी टोटल मोल कितना होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे एन ए प्लस हो जाएगा एन बी, एन ए प्लस क्या हो जाएगा एन बी। अब यहां पर क्या करिएगा कि एक्स ए यानी लिखिएगा विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, इसका मोल भिन्नांक भी कहते हैं, समझ रहे, मोल अंश भी कहते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखिएगा तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स ए, एक्स ए बराबर, तो आप यहां पर लिखिएगा विलय का मोल यानी एन ए बटे टोटल एन ए प्लस एन बी हो गया। अगर यहां पर आपको कहेगा कि विलायक का मोल प्रभाज निकालो, किसका, विलायक का, समझ रहे हैं ना, हो कोई दिक्कत नहीं है ना, विलायक का मोल प्रभाज अगर कहेगा निकालने तो आप कहिएगा निकाल दूंगा, निकाल दूंगा मेरी रानी, चिंता नहीं करने का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो एक्स बी लिखेंगे, एक्स बी बराबर होगा एन ए बटे हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, समझ में आया। अब अगर कोई कहेगा कि सर जी आप बहुत तो निकाल दिए, अब विलयन का कौन निकालेगा, यानी अगर आपको कहेगा कि विलयन का मोल प्रभाज बताओ, पहले समझ लो तब लिखना, विलयन का मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कहेगा सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालो, तो हम लोग कहेंगे एक्स सॉल्यूशन बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, विलायक को और विलय को दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर आप जोड़ दीजिएगा तब जो निकलेगा वही मोल विलयन का मोल आएगा, मोल मोल प्रभाज, तो होगा एक्स ए प्लस हो जाएगा एक्स बी। अब देखो भैया एक्स ए का मान तो आप जानते हो एन ए बटे एन ए प्लस एन बी होता है, तो यहां रख दे एन ए बटे एन ए प्लस एन बी रख दिया,
उसके बाद प्लस करेंगे, जोड़ेंगे किसका, तो भैया किसका जोड़ेंगे, तो ये विलायक का xb का मान हो जाएगा nb, यहाँ सॉरी nb होगा nb, तो हो जाएगा nb बटे हो जाएगा na प्लस nb। अब इन दोनों का LCM निकालोगे दोस्त, निकालोगे इन दोनों का LCM निकालोगे, na प्लस nb आएगा। अब देखो na से इसको इसको डिवाइड करोगे na बचेगा, प्लस तो प्लस, इसको इससे भागा दोगे एक बचेगा, एक गुना nb, nb होगा कट जाएगा वन होगा, तो हम लोग कहेंगे विलयन का मोल प्रभाज हमेशा एक होता है, याद रखना ये एक होता है, समझ में आ गया। अब इसके बारे में कुछ टर्म आप जान लो, इसके बारे में कुछ टर्म फिर से देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे ले लो, हमने कुछ नहीं किया कि अगर विलय का मोल प्रभाज कहेगा तो विलय का मोल ऊपर बटे कुल मोल, अगर विलायक का मोल प्रभाज कहेगा तो विलायक का मोल ऊपर बटे कुल मोल, ये दोनों कर देना आप। देखो भैया दोनों को कर दिए हम, कर दिए ना, समझ में आ रहा है ना। अब दोनों को विलयन का मोल प्रभाज निकालना था, सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना था, तो दोनों को हमने क्या किया एड कर दिया, जोड़ दिया, समझ रहे हैं, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो है एलसीएम निकाल लिया और विलयन का मोल प्रभाज एक आ गया। और वैसे भी इसके बारे में लिखिएगा, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये ताप पर निर्भर नहीं करता, दो पॉइंट इसमें आप लिखना था आप लिख दीजिएगा। अब इसमें न्यूमेरिकल आएगा तो भाई इसको बनाएंगे कैसे, तो जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़िएगा तो आपको दो कॉलम बनाना होगा, यानी जब हम लोग न्यूमेरिकल टिप्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल टिप्स पढ़ेंगे तो आपको दो चीज बनाना है, एक बगल आपको विलय लिख लेना होगा यानी सोल्यूट लिख लेना होगा, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सोल्यूट, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विलय, एक बगल आपको लिखना है विलायक यानी आपको लिख लेना है सॉल्वेंट। अब करना क्या है, करना क्या है, तो आपको डब्ल्यू ए इसका दिया रहेगा, डब्ल्यू ए मतलब दिया गया द्रव्यमान, ये गिवन रहेगा, ठीक है। एम ए सिर्फ कैलकुलेट करना है, एम ए कैलकुलेट करना है, तब ना आपको यहां से एन ए बराबर फॉर्मूला लगाइएगा डब्ल्यू ए बाय एम ए, क्योंकि भैया हमको मोल चाहिए, मोल क्या चाहिए, मोल चाहिए, मोल, तो हम लोग मोल निकालेंगे। यहां भी आपको डब्ल्यू बी गिवेन होगा, दिए रहेंगे, बस एम बी कैलकुलेट करना है, और ये कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों, तो आप यहां से एन बी निकाल लोगे, कितना डब्ल्यू बी बाय एम बी फॉर्मूला निकाल कर, तो जब यहाँ एन ए निकल जाएगा, यहाँ एन बी निकल जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देना एक्स ए बराबर एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, और यहाँ लगा देना एक्स बी बराबर एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। एगो कह रहे हैं सर बहुत हो गया, एक न्यूमेरिकल तो कर दीजिए, आप तो बड़ा न्यूमेरिकल टिप्स देते हो सर, एक न्यूमेरिकल भी तो कर दीजिए, है ना। देखिएगा न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, ये न्यूमेरिकल आपको समझना है, पूरा अच्छे से समझना है। देखिए क्या क्वेश्चन ये है, यदि 90 ग्राम ग्लूकोज, 90 ग्राम नहीं लेते 30 ग्राम यूरिया लेते, यदि 30 ग्राम यूरिया, 30 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में घुला हुआ है, 90 ग्राम जल में घुला है, तो यूरिया एवं जल का मोल प्रभाज क्या होगा, मोल प्रभाज ज्ञात करें, कैलकुलेट करें। इंग्लिश मीडियम वाला का है नूनू, रो रहा है नूनू, चुप चुप, तोरो मिलेगा, क्या मिलेगा, इंग्लिश मीडियम में मिलेगा क्वेश्चन, कहेगा इफ 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर। ये क्वेश्चन हम क्या बोले थे, पहले कुछ नहीं करनी, आनी मानी कुछ ना जानी, सीधा दो कॉलम बनानी, मतलब हम लोग दो कॉलम बना लेंगे, हाँ दो कॉलम बना लेंगे। पहला कॉलम में क्या लिखेंगे, सोल्यूट लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले विलय लिख दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले सोल्यूट लिख दीजिएगा, और दूसरा में लिखिएगा विलायक यानी लिखिएगा सॉल्वेंट, लिख दिया। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट लिखने के बाद बोले थे कि क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को जैसे हम पढ़ें, यदि 30 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में घुला है, कौन घुला है दोस्त,
कौन घुला रे भाई, कौन घुला है? यूरिया ने घुलल है, किस में? जल में। तो जो घुलल है वही विलय है। तो बोलेंगे ओ विलय है यूरिया, क्या हाल समझता, यानी यूरिया आपका विलय है। और यूरिया का फॉर्मूला तो जानवे करते हैं, NH2CO NH2 होता है। कितना ग्राम है, कितना ग्राम है? यूरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं NH2CO NH2। कितना ग्राम है? 30 ग्राम। यानी WA बराबर इसका 30 ग्राम है। पहले इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 30 ग्राम। और जब इसका द्रव्यमान निकालिएगा MA आणविक द्रव्यमान, तो 14 होता नाइट्रोजन का, 2 16 12 28 16 44 और इधर 16 कितना 60, यानी 60 ग्राम हो जाएगा। यहां से आप Na का फॉर्मूला लगा के निकाल दो, WA/MA। ध्यान से समझना, WA के जगह पे ले लो 30 बटे ले लो 60, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 1/2, यानी आपका 0.5 आ गया मोल। यानी आपका Na का मान आ गया है, नहीं आ गया है। अब विलायक आगे पढ़ते क्वेश्चन, कहता है 90 ग्राम जल में, भाई जल कितना 90 ग्राम। ओहो जल, जल का फॉर्मूला होता है H2O, कौन सी होता है H2O। कितना ग्राम है? 90 ग्राम जल है, तो जल 90 ग्राम है, तो बोलेंगे WB बराबर तो देल है 90 ग्राम। और जल का आणविक द्रव्यमान होई 6 कत्ते, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, तो 16 2 18 ग्राम। तो भैया यहाँ पर NB निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ WB/MB। WB का मान कत्ते 90 ग्राम/18 ग्राम, 18 5 90, 5 बार में सही हो गया, आंसर आएगा 5 मोल। अभी आंसर नहीं आया, खुशी मत बनाइए, हमको मोल पर बात कह रहा है। यानी XA बराबर फॉर्मूला लगाएंगे Na/Na+NB, Na के मान कत्ते छे हो, ककरो से बोलियो ना भैया कितना है, 0.5, Na का मान 0.5, NB का मान 5, तो हो जाएगा 0.5/5.5, यानी 0.5 उड़ा दो, 5 एक 5, 11 5 55, 1/11 आंसर हो गया। अगर XB का कोई मान निकालना चाहेगा, XB का मान निकाल दो भैया, XB का मान निकाल दो भैया मेरे, XB का अगर मान निकालोगे तो हम लोग कहेंगे NB/Na+NB, और बोलेंगे NB का मान होता है कत्ते 5 निकला है, और Na का मान 0.5 प्लस करेंगे 5, तो होगा 5/5.5, 0.5 उड़ा दो नीचे ऊपर में 0, 10 5 50, 11 5 55, यानी आंसर होगा 10/11। बोलो भैया समझ में आया, किन्हीं को कोई दिक्कत है? यानी आज की क्लास में हम लोग मोललता और मोल प्रभाव दोनों को देख लिए, अगले क्लास में हम लोग चलेंगे नॉर्मलता को लेकर, और नॉर्मलता वाला वीडियो आएगा, नॉर्मलता वाला वीडियो को अच्छे से देखना, तब हम लोग बढ़िया से और चीज पढ़ेंगे, हेनरी का नियम वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लिए। अब स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाहोगे तो ये भी ले सकते हो, ये न्यूमेरिकल टिप्स है कैसे न्यूमेरिकल बनाना है, इसका भी न्यूमेरिकल बनाने के लिए। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम साइड में खड़े हैं, ले लिए। उसके बाद इसका भी न्यूमेरिकल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लो, ले लो भैया ले लो, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये मोल प्रभाज है, ले लिया, बोलो भैया ले लिया। आगे ये सब, ये क्वेश्चन का मोल प्रभाज ही नॉर्मल मोललता से रिलेटेड है, ये भी आप ले लो, ले लिया, स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ नहीं तो लिखते चले जाओ साथ में, ये भी आप ले लो भैया। ये फॉर्मूला को MTR करना, मारो टोटल रट्टा, इसको रट लेना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी ले लेना। ठीक है, तो इतना सारा चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मिलते हैं, जय हिंद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।